हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं एनिमेशन का खजाना। ये सुपर एक्स जीरो का एपिसोड नंबर 12 है। इस एपिसोड के साथ ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन आपको मैं पिछले एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, ये 18+ सीरीज है, तो इसे अपने रिस्क पे देखे। सो बिना किसी देरी के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें न्यू प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो अपने जब घर की तरफ जा रही होती है, एंड जो की टीम प्रेसिडेंट को फॉलो करने लगती है, ताकि वो लोग पता लगा सके क्या सच में न्यू प्रेसिडेंट की स्टैच्यू क्वीन है, और अगर हाँ तो वो चाहती क्या। रास्ते में जाते हुए चाचा बोलते हैं, मुझे लगता है कि मैं अब इस ग्रुप के लिए बोझ बनती जा रही हूँ। जिस पर एंजो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, अब तुम भी हमारी टीम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो। पर तभी वो लोग प्रेसिडेंट के पैलेस तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँच कर चाचा बोलते कि मुझे आगे जाने दो, अगर वो मॉम है तो मैं उन्हें छूते ही पहचान लूंगी। माहिमी बोलते मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी चाचा, क्योंकि ये काफी डेंजरस हो सकता है। जिस पर चाचा बोलते जिस वक्त मुझे मेरी माँ ने ठुकराया, उस समय तुमने मुझे अपनाया था, अब मेरी बारी है। जिस पर माहिमी बोलती है, ठीक है, लेकिन अगर तुम हमें मुसीबत में लगी तो हम तुम्हें बचाने के लिए तुरंत आ जाएंगे। इसके बाद चाचा खुद को कोरे गर्ल में ट्रांसफॉर्म करती है और प्रेसिडेंट के पास पहुँचती है, लेकिन प्रेसिडेंट के छूते ही चाचा को कुछ हो जाता है और वो प्रेसिडेंट के साथ अंदर चली जाती है। माहिमी तुरंत उसके पीछे जाती है। माहिमी टेंशन में हर जगह चाचा को ढूंढने लगती है। उन्हें चाचा एक रूम में दिखाई देती है। रूम में जाने में पता चलता है कि प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि स्टैच्यू क्वीन है। स्टैच्यू क्वीन बोलती है, मैंने इसे किसी वजह से कैद किया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छुड़ाने की। सुनो बोलते, जरूर कि स्टैच्यू क्वीन ने चाचा को हिप्नोटाइज किया होगा। जिस पर स्टैच्यू क्वीन बोलते, तुम इस बार सही हो बच्ची, इस वक्त मेरी बेटी का डिनर का टाइम हो रहा है और हमें बहुत सी बातें करनी है, तो हमें जाना होगा। जिस पर एंजो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एंजो का वार खाली जाता है और स्टैच्यू क्वीन जाते हुए बताते जाते कि ये रूम पूरी तरीके से एच एनर्जी प्रूफ है, तो तुम इसे तोड़ नहीं सकते। तुम्हारे पास चार लड़कियां, तो मौज करो। और ये कहकर वहां से चली जाती है। सभी अपना पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है। तो मोमोज़ोनो बोलते कि हम लोग अपनी एच एनर्जी कंबाइन करके अटैक करें तो शायद इन वॉल्स को तोड़ा जा सकता है। जिस पर मोमोज़ोनो से माहिमी बोलते, चाचा को बचाने के लिए मैं ये करने को भी तैयार हूं। फिर हमें हिप्नोटाइज चाचा को दिखाया जाता है, जिससे कि स्टैच्यू क्वीन बोलती है, बेटा ऐसे उदास मत हो, मैं उन लोगों को मानने वाली नहीं हूं, बल्कि उनका एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल करूंगी और उसमें तुम मेरी मदद करोगी। पर तभी चाचा अचानक से हिप्नोसिस से बाहर आ जाती और बोलते कि मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं करूंगी मॉम। फिर हमें सौरा को दिखाया जाता, सौरा बोलते कि मोमोज़ोनो अब बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। जिस पर मोमोज़ोनो बोलती है, एच एनर्जी बढ़ाओ और वहां से निकलो। जिस पर एंजो बोलता, और वो कैसे। किरारा एंजो को चुप कराते हुए बोलते, तुम तो चुप ही रहो एंजो, तुम बताओ मोमोज़ोनो तरीका क्या है। जिस पर मोमोज़ोनो बोलते कि हम सबको एक साथ एंजो के साथ हुलुलुलु करना होगा। किरारा बोलते क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, और वो साफ मना कर देती है। जिस पर माहिमी बोलती कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिस पर डार्क किरारा भी जब किरारा को समझाती है तो किरारा मान जाते है। किरारा बोलते जो भी होगा लाइट बंद करके होगा। जिस पर एंजो बोलता कोई मुझसे भी तो पूछ लो। जिस पर मोमोज़ोनो एंजो को मार कर बोलते तुम चुप रहो एंजो, इतनी मुश्किल से तो किरारा तैयार हुई है। जिसके बाद मोमोज़ोनो लाइट बंद कर देती है। एंजो की जब आंखें खुलती है तो माहिमी उसे आगे से और मोमोज़ोनो उसे पीछे से पकड़ लेती है। एंजो दोनों से खुद को किसी तरीके छुटाता है और गलती से सोरा को किरारा समझकर चिपकने लगता है, जबकि हमें किरारा को दूसरी तरफ अकेला बैठा दिखाया जाता। जब एंजो को समझ में आता है कि वो किरारा नहीं है, तो वो भागने लगता और गलती से किरारा से टकरा जाता है, और उन दोनों की एच एनर्जी काफी बढ़ जाती है। जिसके बाद हमें चाचा को दिखाया जाता है। चाचा एंजो और अपनी टीम को बचाने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी टीम खुद दीवार तोड़कर एक नए रूप में वहां पर पहुंच जाती है। पर चाचा कुछ सभी सही सलामत देखकर खुश होते हैं और साथ में क्वीन पर अटैक करते हैं, लेकिन क्वीन सभी अटैक से बच जाती है और अपने हाइब्रिड क्रैकन को उन पर छोड़ देती है और खुद वहां से भागने लगते हैं। यहां पर माहिमी सोरा और मोमोज़ोनो को क्रैकन पकड़ लेता है। मोमोज़ोनो बोलते किरारा और एंजो तुम जाकर क्वीन को पकड़ो, तब तक हम इस मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे। उन तीनों की एच एनर्जी का इस्तेमाल करके क्रैकन बड़ा होने लगता है, लेकिन यहां पर चाचा तीनों गर्ल्स के हारने से पहले उन्हें बाइट कर लेता है, जिससे उनकी एच एनर्जी अनलिमिटेड बढ़ जाती है और वो मॉन्स्टर एनर्जी पाकर खुद ही तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ रास्ते में जाते हुए एंजो आज के एक्सपीरियंस के बारे में किरारा से पूछता है, जिस पर किरारा उसे ठोकते हुए बोलते कि दोबारा इस बारे में बात मत करना। पर तभी की स्टैच्यू क्वीन अचानक से किरारा को काट लेती है, जिससे किरारा हिप्नोटाइज हो जाती है और वो एंजो को सेड्यूस करने लगती है। एंजो समझ जाता है कि वो हिप्नोटाइज हो चुकी है, तो एंजो किरारा के वीक पॉइंट का सहारा लेता और बोलता है कि तुम इतनी सुंदर हो कि तुमसे नजर नहीं हटती। ये सुनकर
किराना शर्माते हुए बोलते बस भी करो, जिस पर एंचो बोलता फाइनली तुम होश में आगे चलो अब साथ में इसे खत्म करते हैं। क्वीन भी अपना विकराल रूप ले लेती है लेकिन यहाँ पर एक ही अटैक से वो खत्म हो जाती है। क्वीन के खत्म होते ही एंचो बोलता कि तुमने कहा था कि जब सभी किस्से चु खत्म हो जाएंगे तो तुम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचोगे, जिस पर किरारा बोलते अभी हम दोनों नंगे हैं तो मैं अपने कपड़ों के बारे में सोच रही हूँ। एंचो बोलता कोई बात नहीं मैं और वेट कर सकता हूँ। दोस्तों ये सीरीज का लास्ट एपिसोड था, इसके साथ ही सीजन 1 खत्म हो जाता। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में यस लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा और जल्दी से सीजन 2 भी ले आऊंगा।